हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई क्लास 12 का जो री एग्ज़ाम है वो 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 15 सितंबर तक एग्ज़ाम जारी रहेंगे। ऐसे में बहुत से छात्रों का कमेंट्स आ रहे थे कि सर सैम्पल पेपर कैसा है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होंगे हमारे री एग्ज़ाम के, वो एक बार हमें वीडियो बना कर दिखा दीजिए। दोस्तों मैं आप सभी के लिए जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2020-21 का, जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल होने से पहले था, यदि आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता इस बार का, तो आपको ठीक इसी पैटर्न के आधार पर सीबीएसई में आपके क्वेश्चन पूछे जाते। तो दोस्तों अभी मेरे पास जो सैम्पल पेपर है वो है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक ऐसा ही सैम्पल पेपर दोस्तों आपके जिस भी सब्जेक्ट से हैं, आप चाहे आप पीसीएम से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, सभी सब्जेक्ट का जो सैम्पल पेपर जो है वो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और इसका लिंक दोस्तों जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम पॉलिटिकल साइंस के पेपर से समझने की कोशिश करते हैं कि पेपर कैसा आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, इसे इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम हमारा होगा वो समय कितने घंटे का होगा। तो एग्ज़ाम का दोस्तों जो समय होगा बिल्कुल 3 घंटे का होगा, हाँ टाइम 3 आवर्स का होगा। और जो क्वेश्चन जो रहेंगे दोस्तों वो 80 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम का टाइम हमें यहाँ बता दिया गया, वो 10:30 से टाइम है और 10:30 से दोस्तों 1:30 बजे तक का टाइम हमें दिया गया है। इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। सेक्शन ए हैज़ 16 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। तो जो सेक्शन ए है दोस्तों उसमें 16 जो क्वेश्चन, यानी करीब अगर देखें तो 20 से 30% के आसपास जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ये हो गया आपका, यानी 16 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी, और जो भी जिस भी सब्जेक्ट का आप है उसी आधार पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो ए सेक्शन में है। सेक्शन बी दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर सेक्शन बी में हैज़ 2 पेसेज बेस क्वेश्चन 17 एंड 18 हैविंग। तो सेक्शन बी में दोस्तों 2 पेसेज रहेंगे और पेसेज के आधार पर जो है 17-18 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और 1 क्वेश्चन ईच मार्क 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ क्या दे रखा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 to 22 यानी 1922 जो है वो कितने मार्क्स होंगे, 2 नंबर के होंगे। ईच आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सटेंड 14 वर्ड्स ईच, यानी 40 से कम शब्दों में इसका उत्तर आपको नहीं देना है, 40 जो है अधिक नहीं होने चाहिए, 40 से कम भी नहीं होने चाहिए। तो ये है 2 नंबर के क्वेश्चन हैं जो 19 से 22 तक आएंगे, यानी 4 क्वेश्चन जो रहेंगे दोस्तों 19, 20, 21 और 22, 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे 2-2 नंबर के। ये फिफ्थ जो पैटर्न दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 23 से 27, ये 4 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और इनके जो आपको आंसर देने होंगे वो होंगे 100 वर्ड्स के, यानी कम से कम 100 शब्दों का आंसर होना चाहिए। सिक्स्थ में क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 28 to 29 दोस्तों वो पैटर्न टू मैप एंड कार्टून क्वेश्चन होंगे और ये 5 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 28, 29 जो है दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन नंबर 30 से 32 तक जो 6 नंबर करेंगे और इसको आपको उसमें 150 वर्ड लिखने होंगे। क्लियर होगा दोस्तों, इसी तरह से आपके चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इसी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आप सभी से पहले कहा था ठीक ऐसा ही पैटर्न होगा जो पैटर्न आपका एग्ज़ाम कैंसिल होने से पहले था। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं दोस्तों, अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं सेक्शन 1A जो कहता है दोस्तों, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसिपल स्टेट इनकरेक्ट। तो इस तरह से जो है पॉलिटिकल साइंस विधायक देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएंगे आपके, 16 क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 16 तक वह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री से संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं, मैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो की एक पूरी लिस्ट आप सभी को दे दूंगा बनाकर, आप अधिकतर नंबर आप उसी में से आ जाएंगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों। तो पॉलिटिकल साइंस यानी जो भी आर्ट स्ट्रीम के विद्यार्थी है वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बाकी सभी विद्यार्थी भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल द्वारा ऐसे बहुत सारी वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए लाई जाएंगी जो आपके काम की उपयोगी होंगी। ठीक है, तो ये दोस्तों देख सकते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, बिल्कुल सही तरीके से आसान से क्वेश्चन आ सकते हैं। द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर वॉज, ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट, इस तरह से आप, ठीक है, ये है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न दोस्तों जो री एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ऐसे कोई भी डाउट के दोस्तों जरूर कमेंट भी कीजिए, आपके डाउट का सारा सोल्यूशन दोस्तों किया जाएगा। अगर दोस्तों मैं जल्दी से रिप्लाई ना कर पाऊँ तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, मैं आपके रिप्लाई का जरूर क्वेश्चन करूँगा। और मैं दोस्तों सोच रहा हूँ कल तक
मैं आपके लिए एक लाइव सेशन लेकर आऊँ ताकि आप सभी के डाउट क्लियर कर सकूँ एग्ज़ाम के रिलेटेड, ठीक है, कैसे तैयारी करनी, कैसे नहीं तैयारी करनी। अगर अगर आपको लाइव चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिख कर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। ये आपका पैटर्न है एग्ज़ाम का दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का, और ऐसे और अन्य पेपरों का भी पैटर्न मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए ले रहे हो दोस्तों, इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन संबंधित दोस्तों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मैप से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पैसे से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, कार्टून से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, और जो 6-6 नंबर के जो क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये सारे क्वेश्चन का आपके पेपर का पैटर्न दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का पैटर्न है। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे पूछिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा दोस्तों। अगर आपको किसी और सैंपल पेपर वीडियो चाहिए दोस्तों, उसका भी कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं वो भी आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए दोस्तों अभी बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आप सभी का हमें प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।